बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो फिल्मों से ज़्यादा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर कंगना अपने विचार साझा करती हैं, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। अब हाल में ही एक बयान से वह एक बार फिर विवादों में फंस गई हैं। दरअसल एक समिट के दौरान कंगना रनौत ने कहा कि देश को 1947 में आज़ादी भीख में मिली थी और देश को असली आज़ादी साल 2014 में मिली है। दरअसल उनके इस बयान का इशारा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की ओर था। कंगना का यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनका जमकर विरोध किया जाने लगा और लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब कंगना के किसी बयान ने हंगामा मचाया हो। इससे पहले भी कंगना ऐसे खुलासे कर चुकी है जिसने हंगामा बरपा था। साल 2016 में कंगना ने खुलासा किया था कि वह ऋतिक रोशन को डेट कर रही थी। फिल्म क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान दोनों रिलेशनशिप में थे और ऋतिक ने उनसे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में इस रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दिया था। वहीं ऋतिक ने इन वादों को झूठा बता दिया, जिसके बाद टीवी पर एक इंटरव्यू में कंगना ने और भी बातें कही थी जो लंबे समय तक विवादों में रही। वही बात करी कॉफी विद करण पर, तो कॉफी विद करण शो पर जो भी सेलिब्रिटी जाता है उसके मुंह से ऐसी बात निकलती है जो कुछ समय तक चर्चा में बनी रहती है। हालांकि जब कंगना करण के शो पर पहुंची तो उन्होंने ऐसी बातें कह दी जिससे जबरदस्त विवाद हो गया। कंगना ने कहा कि करण नेपोटिज्म के फ्लैग बियरर है और मूवी माफिया है। सुशांत सिंह राजपूत के अचानक दुनिया से गुजर जाने पर हर किसी को गहरा सदमा लगा था। वहीं कंगना ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या की गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जरूर सुशांत इंडस्ट्री के कुछ ऐसे राज जानता था जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई है। मैं यह खुलासे कर ना सिर्फ अपना करियर बल्कि जिंदगी खतरे में डाल रही हूँ, मुझे सरकार से सुरक्षा चाहिए। वहीं साल 2020 में कंगना ने कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस से मूवी माफिया से ज्यादा डर लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र पीओके की तरह है। उनके इस बयान के बाद जबरदस्त विवाद हुआ था और बाद में कंगना का ऑफिस भी तोड़ा गया था। कंगना ने ट्विटर पर शुरुआत की, लेकिन एक के बाद एक विवादित बयानों के चलते वह सुर्खियों में बनी रही। इसके बाद एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को साल 2002 वाला अपना विराट रूप दिखाना चाहिए ताकि वह ममता बनर्जी को समझा सके। उनके इस ट्वीट के बाद ट्विटर के नियमों के उल्लंघन को लेकर उनका ट्विटर हमेशा के लिए बैन करवा दिया गया। न्यूज़ फाउंडेशन की रिपोर्ट।